सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़ सके या नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक दो दिन पहले अपने गजट नोटिफिकेशन में एक बदलाव किया है। वो बदलाव क्या किया है आप जान लिए, इस वीडियो में लगातार बने रहे। दोस्तों राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में दो तीन दिन पहले अपने राजपत्र में एक नियम में संशोधन किया है जो राज्यपाल की अनुमति से किया है। उसमें पहले क्या था अब क्या रहेगा। दोस्तों पहले जो भी कोर्ट द्वारा जो समन तामिल होता था वो पहले उस व्यक्ति के घर पर जाकर पुलिस द्वारा तामिल करवाया जाता जब भी तामिल माना जाता था, लेकिन अब जो नया गजट नोटिफिकेशन में कुछ राजस्थान सरकार ने जो बदलाव किया है वो क्या है देखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों पहले जो भी कोर्ट द्वारा मान लो कोई भी केस था, सिविल हो फौजदारी हो, किसी भी प्रकार का जो समन या वारंट होता था उसे तामिल कराने के लिए पुलिस या कोई भी सिविल डिपार्टमेंट का अधिकारी या फोर्थ क्लास उसके घर पर जाकर तामिल करवाने पर ही कोर्ट द्वारा मानी जाती थी, लेकिन अब कोर्ट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अब अपने ही नियमों में बदलाव किया है, क्योंकि अब कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बदलाव किया है कि अब आपको घर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति का समन है वारंट है उसे कॉल करके ईमेल व्हाट्सअप या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी माध्यम से आप उसे संपर्क कर सकते हैं और उस संपर्क होने के बाद उस व्यक्ति की तामिल मानी जाएगी। क्योंकि मान लो पहले जाना पड़ता था दो गवाह एविडेंस की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब इस कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है अपने नियमों में बदलाव किया है कि कोरोना के चलते हुए अब आप व्हाट्सएप पर मेल कर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप उस व्यक्ति से समन तामिल करा सकते हैं, वही तामिल माना जाएगा। यह सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है कोरोना महामारी को लेकर, क्योंकि अगर इस कोरोना में एक दूसरे के पास कागज़ जाता है तो संक्रमण का खतरा होता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में बदलाव किया है और इस प्रकार का बदलाव बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अब इस बदलाव से हर व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फ़ोन ईमेल व्हाट्सएप से ही उसे संपर्क किया जा सकता है। अगर इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।